धनबाद में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से एक प्रोटेस्ट मार्च निकाली गई। इस मार्च में हाथरस दुष्कर्म कांड के दोषियों को अविलंब फांसी, केंद्र सरकार की किसान विरोधी विधेयक और लॉकडाउन के दौरान पीएम द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने के आरोप में जमकर नारेबाजी की गई। धनबाद में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा धनबाद के डीआरएम मोड़ से रणधीर वर्मा चौक तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए, जिसमें हाथरस दुष्कर्म कांड के दोषियों को अविलंब फांसी देने, केंद्र सरकार की किसान विरोधी विधेयक और लॉकडाउन के दौरान पीएम द्वारा किए गए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष मौफिज साहिल ने किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मौफिज ने बताया कि केंद्र की सरकार जनता की उम्मीदों पर अब तक खड़ा नहीं उतर पाई है। पीएम आवास योजना में विलंब के कारण लाखों गरीब बेघर है, साथ ही केंद्र की वो तमाम योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई है जिसकी घोषणा की गई थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। हम लोग धनबाद जिला फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से मसरत कांड में दोषियों को फांसी देने के सवाल पर, किसान विरोध विधेयक की वापस लेने के सवाल पर, प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत देरी हो रही है उसके सवाल पर, 3 साल से गरीबों को विधवा वृद्धा पेंशन पास होने के बाद नहीं मिल रहा, इनके अलावा 11 सूत्री मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या लगता है प्रदर्शन से मांगे पूरी हो जाएगी? लड़ाई के माध्यम से हम लोग संघर्ष के माध्यम से अपना लड़ाई को आगे रखना चाहते हैं, अपना मांग को आगे रखना चाहते हैं। ये उपायुक्त से मिल करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपेंगे। में जो इस तरह सा दलितों के साथ दुष्कर्म पीड़ित के साथ हुआ है, उसके परिवार को न्याय मिले और जो दोषी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक झरकर प्रदेश अध्यक्ष मौफिज साहिल। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।